दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं होंडा टू व्हीलर कंपनी ने होंडा CB350 मोटरसाइकिल को एक अलग ही अंदाज के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है, जो कि कुछ हद तक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जैसा लुक्स एंड बॉडी डिजाइन प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों इस बाइक को आप काफी अफोर्डेबल प्राइस रेंज के साथ अलग अलग वेरियंट में खरीद सकते हैं, जो की आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों होंडा CB350 बाइक का 2023 की इस न्यू मॉडल की अगर बात की जाए तो कंपनी की तरफ से इस बाइक में आपको पहले के जैसा ही तीन मॉडल वेरिएंट देखने को मिलता है, डिलक्स, डिलक्स प्रो एंड कस्टमाइजेशन। सभी वेरिएंट में आपको टोटल पांच कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिनमें से फर्स्ट कलर ऑप्शन आपको मैट ब्राउन कलर में देखने को मिलता है, सेकंड कलर ऑप्शन आपको क्रास्ट मेटालिक ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है, थर्ड कलर ऑप्शन आपको मेटालिक रेड कलर कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है, फोर्थ कलर ऑप्शन आपको आर्मी ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है एंड फिफ्थ एंड लास्ट कलर ऑप्शन आपको इग्नियस ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है। बाइक का सबसे बेस वेरियंट यानी कि डिलक्स मॉडल वेरियंट में सीट कवर एंड फ्रंट मडगार्ड आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। वहीं पर बाइक का डिलक्स प्रो वेरियंट में बाइक का सीट कवर लेदर फिनिश में दिया गया है, इसी के साथ साथ बाइक का फ्रंट मडगार्ड बॉडी कलर के हिसाब से दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर बाइक का प्राइस जानने से पहले बाइक का स्पेसिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो बाइक में आपको सेम पहले के जैसा ही 349cc एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक इंजन देखने को मिलता है, जो कि 15.5 kW पावर एंड 29.4 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बाइक में आपको ऑल LED लाइटिंग्स के साथ साथ फुल डिजिटल एडवांस ब्लूटूथ कनेक्टेड मीटर कंसोल को प्रोवाइड किया गया है। इसी के साथ साथ बाइक की इस न्यू मॉडल वेरियंट में आपको बाइक में असिस्टेंट स्लीपर क्लच का ऑप्शन को भी प्रोवाइड किया गया है। बाइक की व्हील्स, टायर्स एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो बाइक के फ्रंट में आपको पहले के जैसा ही 100x90 सेक्शन का 19 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ बाइक के रियर साइड में 130x70 सेक्शन का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर को प्रोवाइड किया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो बाइक में डुअल चैनल ABS के साथ साथ 310mm का फ्रंट डिस्क एंड बाइक के रियर साइड में 240mm तक का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बाइक का प्राइस की अगर बात की जाए तो बाइक का सबसे बेस वेरिएंट यानी कि डिलक्स वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,99,990 रुपीज, जो कि आपको ऑन रोड पड़ जाएगा 1,31,970 रुपीज डेली शोरूम के हिसाब से। वहीं पर बाइक का डिलक्स प्रो वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 2,17,800 रुपीज, जो कि आपको लगभग ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा 2,52,000 रुपीज तक डेली शोरूम के हिसाब से। दोस्तों इस बाइक को आप एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगाकर कस्टमाइज करके भी खरीद सकते हैं, जहां पर आपको बाइक की फ्रंट में विंडशील्ड के साथ साथ बाइक के रियर साइड में काफी कंफर्टेबल बैक रेस्ट को प्रोवाइड किया जाता है, और इसी के साथ साथ काफी सारे एक्स्ट्रा एक्सेसरीज इस बाइक में आप ऐड करके कस्टमाइज करके खरीद सकते हैं एंड कस्टमाइज करने के बाद बाइक का ऑन रोड प्राइस 2,65,000 रुपीज तक जा सकता है। तो दोस्तों आप अगर एक 350cc सेगमेंट का क्लासिक रेट्रो मोटरसाइकिल खरीदने का सोच रहे हैं तो आप होंडा CB350 बाइक का ये न्यू मॉडल वेरिएंट को देख सकते हैं, क्योंकि होंडा टू व्हीलर कंपनी ने इस बाइक में लुक्स एंड डिजाइन के साथ साथ काफी सारे इम्प्रूवमेंट किया है। दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।